हाँ जी गुड मॉर्निंग एवरीवन सभी को गुड मॉर्निंग सभी को सत श्रीकाल और सभी का स्वागत है हमारे वो कैब लैब के सेशन नंबर एट के अंदर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा सभी को गुड मॉर्निंग कैसे हो सभी लोग जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं बेटा क्लास में और क्लास को शेयर कर दें एक बार सभी बच्चे ताकि जितने भी स्टूडेंट्स डेली इस क्लास को अटेंड करते हैं वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो क्लास में पहुंच जाएं उसके बाद आज की क्लास को अपने शुरू करेंगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग बेटा कैसे हो सभी लोग जल्दी से मैसेज करो फटाफट से ऑडियो वीडियो ओके है एकदम उसके बाद अपने सेशन स्टार्ट करते हैं और सारे बच्चे शेयर कर दो बेटा क्लास को ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डेली इस क्लास को अटेंड करते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लास में पहुंच जाए और वैसे तो बिना कहे पहुंच जाए करो यार बिना शेयर किए टाइमिंग सबको बताइए सुबह आठ बजे और रात को आठ बजे दो टाइम है अपने क्लास के टेस्ट बेटा ऐप के अंदर टेस्ट डल चुका है टेस्ट डेली अपलोड होता है ठीक है आपने अगर बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बैच ज्वाइन कर लीजिए फटाफट आफ से ठीक है टेस्ट डेली अपलोड हो रहा है उसके अंदर वो कैप का आप टेलीग्राम पे मैसेज करना बेटा जिस चीज को दिक्कत आ रही है ना टेस्ट में टेलीग्राम पे मैसेज करना क्लास के बाद में आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी ठीक है टेलीग्राम पे मैसेज कर देना आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे ठीक है चलिए तो देखो आज की जो क्लास है इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा तो पीडीएफ आपको मिलेगा जी हमारे टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले मैं बार बार कह रहा हूँ इंग्लिश विद रोहित सेन ठीक है ये टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर डेली क्विज भी आपकी हो रही है ठीक है डेली क्विज के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बाकी आपको सारी चीजें सारी अपडेट आपको यही मिलती है चैनल पे क्लास कब होगी क्लास नहीं होगी सारी अपडेट आपको यहाँ मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब सारे के सारे बच्चे कर लेना यूट्यूब चैनल को भी कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी कर लें ठीक है जी बेटा जिन जिन को दिक्कत आ रही है वो सारे बच्चे आज टेलीग्राम पे मैसेज करना एक एक पर्सनल सारे बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी जाएगी जिस जिसको दिक्कत आ रही है टेस्ट देखने में ठीक है हाँ एक बार शेयर कर दो बच्चे सारे बच्चे शेयर कर दो फटाफट से सारे के सारे बच्चे जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो बेटा चलो जी बहुत बढ़िया तो चलते हैं देखो आज जो हम बेटा वोकेब्लरी पढ़ने वाले हैं आज जो हम वोकैब्लरी पढ़ेंगे वो वोकैबलरी हम बेटा रूट वर्ड से ही पढ़ेंगे जैसे आपने पिछली क्लास एक लगाई थी रूट वर्ड्स की ठीक है तो रूट वर्ड से वोकैब्लरी हमने पढ़ा था लेकिन पिछली बार जो हमने रूट वर्ड पढ़े थे ना वो थे ग्रीक uh, रूटवर्ड थे ग्रीक लैंग्वेज के रूटवर्ड थे और आज जो हम रूटवर्ड पढ़े जा रहे हैं वो है लेटिन भाषा के रूटवर्ड ठीक है जी लैंग्वेज के जो रूटवर्ड है उन्हें आज हम क्लास में पढ़ेंगे तो सारे बच्चे एक बार फटाफट से क्लास को कर दो बेटा शेयर ठीक है ताकि उसके बाद अपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर काम करें ठीक है सिर्फ और सिर्फ हमारा काम जो है वो पढ़ने पर हो कर दो बेटा सारे बच्चे एक बार शेयर कर दो जल्दी से वेरी गुड ठीक है तो बेटा आज देखो हम वर्ड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आज का जो पहला वर्ड हमारा वर्ड है एंड द वर्ड इज स्क्राइब वर्ड जो है बेटा हमारे पास वो वर्ड है स्क्राइब ठीक है जी ये हमारा रूट वर्ड है ये लेटिन भाषा का रूट वर्ड है और स्क्राइब का मतलब क्या होता है चलो एक बार कमेंट में लिखो सारे बच्चे स्क्राइब ठीक है आज भी जितने वर्ड पढ़ाऊंगा मैं आपको क्लास में वो सारे के सारे वर्ड मैं आपको साथ साथ याद भी करवा दूंगा ठीक है सारे के सारे वर्ड आपको साथ साथ में याद भी करवा दूंगा और डेली जो हम क्लास में पढ़ते हैं वो टेस्ट भी आपका होता है ठीक है सारे बच्चे शेयर कर दो बेटा क्लास को एक बार तो पहला वर्ड है आज का हमारा स्क्राइब Scribe का मतलब क्या होता है बच्चे स्क्राइब का मतलब होता है टू राइट ठीक है का मतलब होता है लिखना टू राइट जहां भी आपको किसी वर्ड के अंदर वर्ड नजर आता है तो इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ जाना कि वो लिखने से रिलेटेड कोई बात कर रहा है किससे रिलेटेड लिखने से रिलेटेड कोई बात की जा रही है ठीक है जैसे आपको पता होगा कि कुछ लोग जो हैं वो फिजिकली जो है होते हैं हैंडीकैप होते हैं तो आपको पता होगा कि एग्जाम देने जब वो जाते हैं तो एग्जाम देने के टाइम में उनको एक स्क्राइब दिया जाता है ऑप्शन आते हैं स्क्राइब की आपने सुना भी होगा ये वर्ड ठीक है तो वो स्क्राइब का काम क्या होता है वो स्क्राइब का काम होता है कि वो उस पर्सन के लिए पेपर को लिखने का काम करता है ठीक है ना वो उस पर्सन के लिए पेपर को लिखने का काम करता है तो स्क्राइब वर्ड आपने सुना भी होगा बहुत बार कोई ज्यादा मतलब डिफिकल्ट वर्ड नहीं है ठीक है तो स्क्राइब का मतलब होता है बेटा लिखना अब देखो इससे वर्ड क्या क्या बनेंगे तो सबसे पहला वर्ड इससे बनेगा प्रिस्क्राइब सबसे पहला वर्ड वर्ड इससे बनेगा prescribe. Prescribe जो है ठीक है बच्चे पहला वर्ड हमने क्या बनाया प्रेस्क्राइब वर्ड बन जाएगा इससे दूसरा वर्ड हमने बनाया इंस्क्राइब इंस्क्राइब वर्ड बनता है इंस्क्राइब ठीक है जी एक ये वर्ड बन जाएगा इंस्क्राइब उसके बाद और क्या बन जाएगा इसके बाद बेटा बनता है स्क्रीबल वर्ड स्क्रीबल वर्ड सुना आपने स्क्रीबल स्क्रीबल वर्ड ठीक है ये वर्ड बन जाएगा स्क्रीबल ठीक है इसमें भी देखो स्क्राइब आ रहा है लास्ट शुरू में देखो स्क्राइब आ रहा है उसके बाद एक वर्ड जो आपने काफी बार सुना है डेस्क्राइब डेस्क्राइब होता है ठीक है जी एक वर्ड होता है डेस्क्राइब और एक वर्ड इससे बन जाएगा प्रोस्क्राइब क्या बन जाएगा प्रोस्क्राइब ठीक है जी अब लो ये सारे के सारे वर्ड बन गए बेटा देखो अब इन सभी वर्ड में ध्यान से देखिए आपको सभी वर्ड्स के अंदर स्क्राइब वर्ड नजर आ रहा है बेटा सारे के सारे वर्ड्स में आपको स्क्राइब वर्ड नजर आ रहा है ध्यान से देखो पहले में लिखा है प्रिस्क्राइब दूसरे में इंस्क्राइब तीसरे में स्क्रीबल इसमें लास्ट शुरू में आ गया स्क्राइब इसमें डिस्क्राइब और इसमें प्रोस्क्राइब ठीक है अब अगर देखो यहाँ पे ये जितने भी वर्ड है अगर ये आपके एग्जाम्स में आ जाए पूछ लिया जाए बेटा इनका मीनिंग क्या होता है तो आपको इतनी बात तो समझ में आ रही है कि सर अगर इसमें स्क्राइब वर्ड आ रहा है इट मीन्स इसका मतलब लिखना होता है ना इसका मतलब लिखना होता है लेकिन अब इसका कैसे लिखना मतलब होता है ठीक है तो बेटा देखो पहला वर्ड है प्रेस्क्राइब प्रेस्क्राइब क्या होता है जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं है ना जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करता है डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देता है कि भाई आपको ये वाली मेडिसिन लेनी है ठीक है तो उसे हम प्रिस्क्राइब कहते हैं देखो डॉक्टर पर्ची पे लिख के देता है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए ठीक है तो उसे क्या कहते हैं उसे प्रिस्क्राइब कहते हैं प्रिस्क्राइब का मतलब होता है टू से वट मेडिकल ट्रीटमेंट टू से इसका मीनिंग क्या होगा बच्चे टू से वट मेडिकल ट्रीटमेंट वट मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट समवन someone to have ठीक है कि किसी पर्सन को कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए अगर ये डॉक्टर आपको लिख कर दे रहा है तो इसे प्रिस्क्राइब कहते हैं क्या कहते हैं बच्चे प्रिस्क्राइब कहते हैं ठीक है जी उसके बाद आता है इनscribe क्या होता है ठीक है इनscribe क्या होता है तो इसका मतलब होता है टू राइट वर्ड टू राइट वर्ड्स टू राइट वर्ड्स ऑन सरफेस ठीक है अगर आप किसी पत्थर पर किसी सरफेस पर ठीक है अगर वहां पे आप कोई वर्ड्स लिख देते हैं जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा आपको याद हो तो एक वर्ड होता है बच्चे एपीटैफ एपीटैफ एक वर्ड होता है एपीटैफ ठीक है यह भी बताऊंगा कैसे बनता है लेकिन अभी अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि एपीटैफ का मतलब होता है कि कब्र होती है किसी की किसी की कब्र जो मर बंदा मर जाता है तो उसकी कब्र बन जाती है उस कब्र के ऊपर जो शब्द लिखे जाते हैं उसे एपिटेफ कहा जाता है लेकिन अगर आप नॉर्मली कहीं भी किसी पत्थर पर किसी सरफेस पर कुछ भी लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड एंस्क्राइब ठीक है इसको क्या कहा जाता है इंस्क्राइब कहा जाता है ठीक है बच्चे उसके बाद है उस अगला वर्ड है स्क्रीबल स्क्रीबल का मतलब क्या होता है बच्चे स्क्रीबल का मतलब होता है टू तो राइट टू राइट क्विकली और रैकलेसली मतलब अगर आप किसी चीज को जल्दी जल्दी लिखते हैं ठीक है स्क्रीबल का मतलब क्या होता है अगर आप किसी चीज को जल्दी जल्दी रैकलेसली लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं स्क्रीबल क्या कहते हैं बच्चे उसे हम कहते हैं स्क्रीबल ठीक है जी अगर आप किसी चीज को फास्ट फास्ट लिखते हैं जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना डॉक्टर ठीक है न, अब इसको देखो यहां से याद कर लो क्या कैसे याद कर लोगे कि डॉक्टर डॉक्टर जो पर्ची लिखता है है ना उस डॉक्टर पर्ची लिखता है न, तो उसकी राइटिंग समझ में नहीं आती डॉक्टर आपको पर्ची पे इस तरीके से ऐसे लिख के दे देता है कि ये वाली दवाई ले लेना हमें तो समझ में नहीं आता भाई कौन सी दवाई होती है ये ठीक है ये सिर्फ मेडिकल वाला ही जानता है कौन सी दवाई है तो उसने जब इस तरीके से लिखा फास्ट फास्ट लिख दिया इसको बोलते हैं स्क्रीबल ठीक है उसकी इस राइटिंग को क्या बोलते हैं स्क्रीबल बोलते हैं ठीक है और अगर वो पर्चे लिख के दे रहा है कि भाई आपको ये वाली दवाई लेनी है तो उस पर्ची को हम कहते हैं प्रिस्क्राइब क्या कहते हैं प्रिस्क्राइब कहते हैं ठीक है ना बात समझ में आ गई ये दोनों वर्ड यहां से याद कर लीजिएगा उसके बाद है डिस्क्राइब डिस्क्राइब का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा राइट इन डिटेल डिस्क्राइब करने का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना बच्चे किसी चीज को डिटेल में समझाना होता है डिस्क्राइब का मतलब किसी चीज को डिटेल में समझाना होता है ठीक है बच्चों और लास्ट ऑप्शन था हमारे पास लास्ट ऑप्शन था प्रोस्क्राइब ठीक है तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है कई बार ना कुछ चीजें रिटर्न में लिखी होती है राइट टू प्रोहिबिट ठीक है कई बार कई चीजें रिटर्न में लिखी होती हैं कि आपको यहां पे ये वाली चीजें करना मना है जैसे आप स्टेशन पे जाते हैं बस स्टैंड पे जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है ना ठीक है वहां पे लिखा होता है ना बच्चे कि धूम्रपान करना निषेध है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ ठीक है

डिस्क्राइब हमने वर्ड याद किया प्रोस्क्राइब ठीक है तो सारे के सारे वर्ड देखो पांच वर्ड हमने ऐसे चुटकियों में याद कर लिए ठीक है अब कोई बच्चा अगर सोच रहा हो कि सर पेपर में ये चीजें आती हैं तो बेटा पेपर में यही चीजें आती हैं ये मत कहना कि क्या ये चीजें आती हैं आपने कहना यही चीजें आती हैं ठीक है ना अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो गए तैयार हो गए नहीं कह रहा ये सिनोनिम्स में भी आ सकते हैं इनसे एंटोनिक्स भी पूछा जा सकता है ये वन वर्ड में भी आ सकते हैं ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी आ सकते हैं हर जगह आ सकते हैं वर्ड सीखना हमें आना चाहिए बस बाकी क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है जैसे मैंने आपको थोड़े टाइम पहले आ, रूट वर्ड करवाए थे उसमें मैंने आपको वर्ड करवाया था क्रोन, सी एच आर ओ एन और रात वाली क्लास हम कर रहे थे उसमें क्वेश्चन आ गया देखो है ना तो वैसे ही क्वेश्चन बन जाता है आप रूट वर्ड पढ़ो वो आपके वन वर्ड में बहुत काम आते हैं ठीक है बच्चे तो बताओ कितने बच्चों को सारे याद हो गए फटाफट से बताओ जल्दी से थम्सअप करके बताओ जिसको ये सारे वर्ड याद हो गए आज के बाद अगर इनमें से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो आप जो है सारे के सारे बच्चे उनका मीनिंग बता दोगे और उसके लिए देखो रूट वर्ड जरूर याद करना है आपको ठीक है रूट वर्ड पता लग जाएगा तो फिर आपको सारी कहानी प्यार से समझ में आएगी और आज जितने भी रूट वर्ड से वर्ड करवाऊंगा सारे याद करवा दूंगा टेंशन मत लेना सारे के सारे वर्ड याद करवा दूंगा लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बेटा देखो याद पता है चीजें कब होती है मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूँ ठीक है देखो अगर आपके अंदर ना एक सनक होती है सनक मतलब एक इंटरेस्ट होता है किसी चीज को सीखने का कि आपका मन है कि यार मैं मैं सीखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं हूं है ना कि मेरी वोकैब बहुत अच्छी हो जाए मैं हर एग्जाम पास कर सकूं हर एग्जाम दे सकूं इंग्लिश की वजह से कोई भी एग्जाम मेरा ऐसा ना रहे कि मैं फिल ही ना कर सकूं ठीक है मनदीप सिंह पूछ रहे हैं सर एस स्टेनोग्राफर की इंग्लिश यही है क्या बिल्कुल बेटा यही है किसी भी एग्जाम की इंग्लिश यही है अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी इंग्लिश में यही आता है ठीक है तो आपको एक काम करना बेटा क्या काम करना है देखो मैंने आपको पढ़ा दिया आपको हो सकता है अभी ये सारी चीजें याद भी होगी है ना अभी आपको ये सारी चीजें याद भी होगी लेकिन आपने डेली एक काम करना होता है क्या काम करना है जैसे मान लो आपके पास कभी भी दस पंद्रह मिनट फ्री है कभी भी आपके पास दस मिनट पंद्रह मिनट फ्री है तो आप एक काम क्या करो आप एक रफ आपने क्या करना है एक रफ पेज लेना है इस तरीके से एक रफ पेज ले लो और उस रफ पेज के ऊपर ना आज आप याद करो कि आज सर ने हमें वोकैबलरी में क्या पढ़ाया था ठीक है भाई आज सर ने हमें वोकेबलरी में क्या पढ़ाया था तो आपको याद आएगा कि सर ने आज हमें एक वर्ड करवाया था स्क्राइब सर ने हमें आज एक वर्ड करवाया था स्क्राइब ठीक है फिर फिर इस वर्ड से आप वर्ड बना के देखो अपने आप से कि सर ने हमें एक वर्ड कराया था प्रिस्क्राइब एक वर्ड हमने सर ने कराया था प्रिस्क्राइब एक वर्ड सर ने कराया था स्क्रीबल स्क्रीबल वर्ड करवाया था एक वर्ड सर ने कराया था डेस्क्राइब ठीक है और क्या करवाया था एक करवाया था प्रोस्क्राइब भी करवाया था ठीक है और क्या करवाया था है तो इस तरीके से ना देखो ये जो वर्ड आपके आप देखो जैसे मान लो आप लिख रहे हो आप लिखते 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 इंस्क्राइब वर्ड भी आपने लिख दिया मान लो चलो मैं सारी लिख देता हूं ठीक है इंस्क्राइब भी लिख दिया आपने तो इस तरीके से जब आप लिखोगे ना तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी है ना लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ के छोड़ दोगे है ना पढ़ के छोड़ दोगे देखो लिखना किसी चीज को लिखना आज हमने रूट वर्ड भी लिखने वाला ही लिया रिटर्न जो चीजें होती है ना जब आप राइट करते हो किसी चीज को वो चीज आप कभी नहीं भूलते हो ध्यान रखना वो आप कभी भी नहीं भूलते हो ठीक है राइट करने वाली चीजों को कभी नहीं भूलते इसलिए राइट किया करो ज्यादा से ज्यादा वो को राइट करना सीखो ठीक है बच्चे चलिए जी तो ये था हमारा पहला रूटवर्ड पांच वर्ड हमने पढ़ लिए हैं आ जाइए अगले रूटवर्ड पे चलते हैं अब देखो अगला जो रूटवर्ड है ना हमारा अगला जो रूटवर्ड है दैट इज मैग्नी क्या रूटवर्ड है बेटा वर्ड है हमारे पास मैग्नी मैग्नी वर्ड जहां भी आता है मैग्नी ठीक है इसका मतलब होता है बेटा लार्ज लार्ज यानी बड़ा ठीक है जहां भी मैग्नी वर्ड आएगा इसका मतलब क्या होता है बच्चे इसका मतलब होता है लार्ज ठीक है बड़ा होता है ठीक है अब देखिए मैंने एक वर्ड लिखा मैग्नी सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो मैग्नी फटाफट से सारे के सारे बच्चे फटाफट से एक बार कमेंट में लिखिए मैग्नी और मैग्नी का मतलब भी साथ में लिखो लार्ज फिर आपको पता लग जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं वेरी गुड बहुत बढ़िया चलो आप फटाफट फड़ कमेंट में लिखो तो मैं यहां पे कुछ वर्ड लिख देता हूं देखो पहला वर्ड है मैग्नीफाई पहला वर्ड है मैग्नीफाई ठीक है जी पहला वर्ड क्या है मैग्नीफाई एक बच्चे ने वर्ड लिखा कि सर मैग्निफिशियंट वेरी गुड मैग्निफिशियंट भी हो सकता है ठीक है चलो मैग्निफिशियंट ही लिख लेते हैं ये लोग क्या लिखा आपने मैग्निफिशियंट

मैग मैग्ना एनेमियस एनेमियस ये भी स्पेलिंग टेस्ट में आती है बहुत बार मैग्नामेनियस ठीक है अब देखो ये सारे वर्ड हो गए ये सारे वर्ड हो गए एक लिख लेना मैग्नी लॉकवेंट चलो मैं यहां लिख देता हूं इसको अलग से मैग्ना मैग्नी लॉकवेंट ये लो जी अब देखो कितने वर्ड हो गए बेटा हमारे पास टोटल वर्ड हो गए हमारे पास फाइव क्या क्या वर्ड लिखा हमने मैग्नीफाई दूसरा वर्ड लिखा है मैग्निफिशियंट तीसरा लिखा है मैग्नीट्यूड फिर लिखा है मैग्नीमिस और चौथा पांचवा लिखा है पांचवा वर्ड था हमारे पास मैग्नी लॉकट ठीक है अब इन सारे वर्ड्स को देखो मैंने आपको रूट वर्ड बता दिया कि मैग्नी वर्ड जहां भी लगेगा इसका मतलब होता है लार्ज क्या होता है लार्ज यानी कि बड़ा तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास मैग्नीफाई तो मैग्नीफाई का मतलब होता है मेक इट लार्ज किसी चीज को क्या करना बेटा बड़ा बना देना किसी चीज को बड़ा बनाना इसे ही मैग्नीफाई कहते हैं किसी चीज को बड़ा बनाना इसे क्या कहते हैं मैग्नीफाई कहते हैं ठीक है बच्चे उसके बाद वर्ड आता है मैग्निफिशियंट मैग्निफिशियंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा ठीक है एक्सट्रीमली कोई चीज अगर क्या है इंप्रेसिव है अगर कोई चीज बहुत ज्यादा क्या है बच्चे इंप्रेसिव है जिसे हम स्प्लेंडेड कह सकते हैं स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार ठीक है कोई चीज अगर बहुत ज्यादा लार्ज बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कोई चीज अगर क्या है बहुत ही ज्यादा अच्छी है इंप्रेसिव है स्प्लेंडर है तो उसे हम मैग्नीफिशियंट कहते हैं मैग्निफिशियंट का मतलब क्या हो गया बच्चे एक्सट्रीमली इंप्रेसिव और स्प्लेंडेड ठीक है उसके बाद एक वर्ड आता है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ग्रेटनेस इन साइज अगर कोई चीज साइज के अंदर बहुत बड़ी है लार्ज है साइज की बात हो रही है साइज के अंदर अगर कोई चीज बहुत बड़ी है तो उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूट ठीक है मैग्नीट्यूट देखो ट्यूड जो वर्ड होता है ट्यूड जो वर्ड होता है ना जैसे एल्टीट्यूड है ना ये ऊंचाई से या लंबाई से या हाइट से इनकी चीजों को यूज किया जाता है ठीक है तो आपने क्या याद करना है आपने याद करना है मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्या चीज ग्रेटनेस इन साइज फिर आता है मैग एनिमियस देखो एनिमी एनिम जो वर्ड होता है एनिम इसका मतलब होता है कोई भी ह्यूमन बींग जो है और मैग्नी का मतलब होता है बड़ा तो जिसका दिल बड़ा होता है है ना जिसका दिल बड़ा होता है उसको बोलते हैं मैग्नेमियस मैग्नेमियस का मतलब होता है वेरी जेनरस या लार्ज हर्टेड वेरी जेनरस जेनरस वर्ड होता है ना जेनरस जे ई एन ई आर ओ यूएस या इसको हम कहते हैं लार्ज हार्टेड लार्ज हार्टेड का मतलब अब ये नहीं है कि भाई उसका दिल बहुत बड़ा है तो इसका मतलब वो दिल यहां से निकलकर बाहर आ गया नहीं दिल बड़ा होने का मतलब जो काफी काइंड टाइप का पर्सन होता है दूसरों की हेल्प करता है उसे हम मैग्नमेनियस कहते हैं ठीक है बच्चे और यहां पे आपका जो लास्ट वर्ड है लास्ट वर्ड लास्ट वर्ड में देखो मैग्ना वर्ड आ रहा है जिसका मतलब होता है लार्ज बड़ा ज्यादा और लोकवा वर्ड आ रहा है लोकवा इज द रूट वर्ड जिसका मतलब होता है स्पीक यानी कि बोलना ठीक है लोकवा भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चे बोलना और मैग्नी का वर्ड मतलब क्या होता है मैग्नी का मतलब होता है ज्यादा ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ मैग्नी लॉकवेंट का मतलब क्या हो जोड़ लो दोनों वर्ड्स को क्या बन जाएगा कहते हैं एंप्लॉइंग इंप्रेसिव वर्ड्स वाइल स्पीकिंग ठीक है क्या बनेगा देखो एम्प्लॉइज यहां देखो क्या लिख रहा हूं मैं एम्प्लॉय इंप्रेसिव सॉरी एम्प्लॉय इंप्रेसिव स्पीकिंग ठीक है अगर कोई बंदा बोलने में बहुत ज्यादा क्या है इंप्रेसिव है अगर कोई पर्सन बोलने में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है ज्यादा नहीं बोलता लेकिन जब बोलता है तो बहुत अच्छा बोलता है तो ऐसा पर्सन जिसकी स्पीकिंग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होती है उस पर्सन को क्या कहते हैं उस पर्सन को कहते हैं मैग्नी लॉकवेंट क्या कहते हैं मैग्नी लॉकवेंट कहते हैं ज्यादा बोलना नहीं होता ज्यादा बोलने को तो हम लॉक क्या कहते हैं वर्बोस कहते हैं हाँ उसका अलग वर्ड होता है लोकवास्ट है ना वो चीज अलग होती है बोलना ज्यादा बोलना अलग चीज होती है एक होता है बोलना लेकिन कैसा बोलना इंप्रेसिव बोलना जब आप बोले तो लोग आपकी बात को ध्यान से सुने कि भाई ये पर्सन कह क्या, क्या रहा है ठीक है उसे कहते हैं मैग्नी लॉकवेंट ठीक है बच्चे तो देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे सारे के सारे वर्ड्स के मीनिंग बता दिए हैं और जो हमारा रूट वर्ड था रूट वर्ड हमारे पास क्या था बच्चे मैग्नी रूट वर्ड था तो मैग्नी का मतलब होता है ज्यादा लार्ज ठीक है जी उस चीज का आपने रूट वर्ड से याद किया तो देखो क्या क्या वर्ड बन गए पहला बड़ा मैग्निफाई मैग्निफाई का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना ठीक है दूसरा वर्ड है मैग्निफिशियंट मैग्निफिशियंट का मतलब कोई चीज इतनी ज्यादा इंप्रेसिव है लार्ज स्केल पर इंप्रेसिव है ठीक है जी उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं उसे बच्चे मैग्निफिशियंट कहते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो हमने पढ़ा वो था मैग्नीट्यूड जो चीज साइज के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी है उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और मैग्नेमेनियस का मतलब होता है कि ऐसा एनिम ऐसा इंसान जिसका दिल जो है वो बहुत बड़ा हो ठीक है जिसका दिल जो है बहुत बड़ा हो उसे मैग्नेमेनियस कहते हैं और उसके बाद लास्ट वर्ड था हमारे पास मैग्नी लॉकवेंट तो मैग्नी लॉकवेंट का मतलब होता है जो पर्सन बोलने में बहुत ज्यादा क्या हो इंप्रेसिव होता है ठीक है तो चलिए जल्दी से एक बार सारे बच्चे इसकी आ, रिवीजन लगा लो एक बार फटाफट से सारे के सारे बच्चे इसकी रिवीजन लगा लो फटाफट से रमन कह रहा है कि सर एक बार मैग्नेमिनिस की स्पेलिंग देख लो बेटा बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी हुई है क्या दिक्कत है बताओ मैग्ना आएगा पहले एम ए जी एन ए और उसके बाद आता है एनीमिस ठीक है ए एन आई एम ओ यू एस सही तो लिखी हुई है बच्चे रमन अबोहर बेटा बिल्कुल सही है है देखिए ध्यान से ठीक तो आज की क्लास में हमने दो वर्ड पढ़े आज की क्लास में हमने दो रूट वर्ड अभी तक पढ़े पहला हमने पढ़ा क्या चीज पहला हमने क्या पढ़ा था बताओ बच्चे पहला हमने पढ़ा था स्क्राइब स्क्राइब से वर्ड बनाए थे प्रिस्क्राइब इंस्क्राइब स्क्रीबल प्रोस्क्राइब है ना ये सारे वर्ड बनाए थे डिस्क्राइब पांच वर्ड बनाए थे और उसके बाद हमने पढ़ा मैग्नी वर्ड इसका भी हमने बना दिए चलो जी आगे चलते हैं अगले रूट वर्ड पर आ जाओ बच्चे सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से अगला जो रूट वर्ड है एंड द रूट वर्ड इज ओमनी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा लिखो सर ये लोग बड़ा बड़ा लिख देते हैं अगला जो रूट वर्ड है बच्चे ये है जी हमारा ओमनी ठीक है अब देखो जहां भी आपको स्पेलिंग के अंदर बेटा ओमनी वर्ड नजर आएगा लिखो बेटा एक बार फटाफट से सारे बच्चे कमेंट के अंदर लिखो ओमनी और शेयर कर दो बेटा क्लास को देखो संख्या मैंने आपको बताई है ना संख्या 300 होनी चाहिए तो 300 होनी चाहिए ठीक है और लाइक की देखो मैंने लाइक का अभी तक एक बार भी नहीं बोला आपको तो आपने किया भी नहीं लाइक सारे बच्चे वैसे ही बैठे हैं बस क्लास में क्लास लगा लेते हैं क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं क्लास पढ़ते रहते हैं लाइक करना भूल जाते हो तो बच्चा लाइक कर दो सारे बच्चे एक बार फटाफट से और सारे बच्चे लिखो ओमनी वर्ड अब देखो जो ओमनी वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है ऑल क्या होता है इसका मतलब इसका मतलब होता है ऑल जैसे एक वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था हमने पहले भी एक वर्ड पढ़ा एक वर्ड पढ़ा था हमने पैन पैन का मतलब भी क्या होता है पैन का मतलब भी ऑल होता है यह भी एक वर्ड है इसका मतलब भी ऑल होता है वैसे ही ओमनी जो वर्ड है इसका मतलब भी क्या होता है इसका मतलब होता है ऑल ये हमारा वर्ड है ठीक है बच्चे अब इस वर्ड से हम बनाएंगे वर्ड और उस वर्ड को हम याद कर लेंगे बिल्कुल आसानी से कैसे याद करेंगे आओ बता देते हैं तो देखो ओमनी वर्ड से सबसे पहला वर्ड बनाएंगे हम ओमनी साइंट क्या वर्ड बनाएंगे ओमनी साइंट ये लो सबसे पहला वर्ड हमने बनाया ओमनी साइंट ये वाला वर्ड बन जाएगा दूसरा वर्ड हमने इसे बनाया ओमनी प्रेजेंट ओमनी प्रेजेंट ये वर्ड बना गया ओमनी प्रेजेंट उसके बाद हमने वर्ड बनाया ओमनीपोटेंट क्या वर्ड बनाया बच्चे ओमनीपोटेंट ठीक है ये वर्ड बना दिया हमने बन गया बेटा ये वाला वर्ड ओमनीपोटेंट बन गया ओमनी साइंड बन गया ओमनी प्रेजेंट बन गया और क्या बन जाएगा ओमनीबस बन जाएगा ओमनीबस ओमनीबस ठीक है ये वर्ड बन जाएगा और इससे एक वर्ड बन जाएगा क्या चीज ओमनीफिशिएंट जैसे मैग्निफिशिएंट वर्ड पढ़ा था ना आपने जैसे आपने मैग्निफिशिएंट वर्ड पढ़ा था वैसे ही वर्ड होता है ओमनीफिशिएंट ओमनीफिशिएंट एफ आई सी ई एन टी स्पेलिंग जरूर याद रखना ठीक है ओमनीफिशिएंट ये लो जी तो ये सारे वर्ड बन गए हमारे किससे ओमनी से क्या-क्या वर्ड -क्या बना ओमनीसाइन्ट ओमनीप्रेजेंट ओमनीपोटेंट ओमनीबस और एक हमारा बन गया लास्ट में ओमनी कौन सा जिससे हमने मैग्निफिशिएंट बनाया था वैसे ही वर्ड होता है ठीक है बच्चे तो लीजिए अब देखो मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको बताया बेटा ओमनी वर्ड जहां भी आ रहा है तो इसका मतलब होता है ऑल इसका मतलब होता है सब कुछ ठीक है तो पहला वर्ड है बेटा हमारे पास ओमनी इसका मतलब सब कुछ और साइंट इसका मतलब वन अ पर्सन या कोई भी ऐसा चीज है जो क्या कहता है नोइंग एवरीथिंग ठीक है ओमनी का मतलब एवरीथिंग और साइन का मतलब होता है जानना तो इसका मतलब होता है नोइंग एवरीथिंग अगर कोई पर्सन सब कुछ जानता है सब कुछ जानता है उसे हम कहते हैं ओमनी साइंट नोइंग एवरीथिंग ठीक है और अगर कोई बंदा प्रेजेंट है हर जगह पे प्रेजेंट है प्रेजेंट एवरीवेयर प्रेजेंट एवरीवेयर ठीक है प्रेजेंट एवरीवेयर उसे हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट क्या कहते हैं ऑमनी प्रेजेंट जो बंदा हर जगह प्रेजेंट है उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट जो बंदा सब कुछ जानता है उसे कहते हैं ओमनी साइंट और जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है सबसे ज्यादा पावरफुल होता है ठीक है हैविंग टोटल पावर ठीक है इसको कहते हैं हैविंग टोटल पावर जो बंदा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उसे कहते हैं ओमनी पोटेंट पोटेंट का मतलब बेटा पावर होती है पोटेंट का मतलब पावर होती है ताकत होती है और का मतलब होता है सबसे ज्यादा ताकत जिसके पास है सारी ताकत जिसके पास है उसे हम कहते हैं जो सब जगह प्रेजेंट है जो सब कुछ जानता है, वो ओमनी साइंट फिर आता है वर्ड हमारे पास ओमनी बस शेयर कर दो बेटा क्लास को शेयर नहीं हो रही क्लास या मजा नहीं आ रहा मुझे चलो बस अब देखो ऑमनी बस का मतलब क्या होता है मैंने कहा ओमनी का मतलब होता है सारा कुछ ठीक है कहता है कि ऐसी एक सिंगल बुक आ सिंगल बुक आ सिंगल बुक कंटेनिंग कंटेनिंग ठीक है मतलब किताब तो देखो एक ही है किताब तो एक ही है लेकिन उसके अंदर क्या है कंटेनिंग सेपरेट वर्क्स एज अ कलेक्शन ठीक है सेपरेट सेपरेट वर्क एज अ कलेक्शन ठीक है एज अ कलेक्शन कहता है एक ही बुक के अंदर अलग अलग टाइप के बहुत सारे कलेक्शन अगर हो तो उसे कहते हैं ओमनी बस क्या कहते हैं ओमनी बस कहते हैं ठीक है चलो जी और उसके बाद लास्ट वर्ड है हमारे पास मैग्नीफिशियंट की तरह ओमनीफिशियंट लेकिन ओमनीफिशियंट जो वर्ड है ना बेटा इसका रिलेशन कहीं ना कहीं इसके साथ है इसका साथ है ठीक है ओमनी का मतलब भी क्या होता है ओमनीफिशियन का मतलब होता है अनलिमिटेड पावर टू क्रिएट अनलिमिटेड पावर टू क्रिएट ये भी पावर से रिलेटेड होता है ठीक है ये भी पावर से रिलेटेड है इसको आप लिखना अनलिमिटेड पावर टू क्रिएट ठीक है जो सबसे ज्यादा पावर क्रिएट करता है ठीक है उसे बोलते हैं ओमनीफिशियंट अब ये देखो ये सारे वर्ड आपने याद कर लिए ठीक है आपको पता लग गया कि ओमनी साइंट का मतलब क्या होता है ठीक है ओमनी साइंट का मतलब क्या होता है ओमनी वर्ड्स होता है बेटा वो हाँ ओमनी वर्ड्स जैसे आपने वर्ड सुना होगा हर्बी वॉरस है हाँ ना वैसे ओमनी वर्स होता है ओमनी वर्ड्स चलो वो वर्ड भी लिख लेते हैं एक बच्चे ने बताया है कि सर ओमनी वर्स भी होता है बिल्कुल होता है बच्चे बिल्कुल होता है लिख देते हैं यहाँ पे ठीक है क्या होता है ओमनी होता है ऐसा होता है क्या कुछ सब कुछ खाने वाला जो सब कुछ खा ले वो होता है ओमनी ठीक है ओमनी होता है जो सब कुछ खा लेता है ठीक है वोर जो वर्ड है वो खाने से रिलेटेड होता है ठीक है जैसे हर्बी वोर्स है ना तो वैसे ही ओमनी होता है जो सब कुछ खा लेता है ऑल एवरीथिंग खा लेता है ठीक है अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना बेटा जैसे ओमनी साइंट है ओमनी प्रेजेंट है ओमनी पॉर्टेंट है ये जो वर्ड है ये स्पेशली किसके लिए यूज किए जाते हैं पता आपको ये सारे के सारे वर्ड गॉड के लिए भगवान के लिए यूज किए जाते हैं ये सारे के सारे वर्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं बच्चे भगवान के लिए यूज किए जाते हैं क्योंकि सब कुछ कौन जानता है सब कुछ तो भगवान जानता है इंसान तो जानता नहीं है ठीक है हर जगह कौन मौजूद है हर जगह भगवान मौजूद है ठीक है हम तो मौजूद नहीं है हर जगह हम तो यहां मौजूद है वहां नहीं है ठीक है तो जो सब जगह मौजूद है उसे कहते हैं भगवान गॉड ठीक है तो ये सारे वर्ड जो है ये गॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं समझे बच्चे हाँ जी तो जल्दी से एक बार बता दो फटाफट जल्दी से एक बार बता दो बेटा फटाफट से समझ में आगे वर्ड सभी को फटाफट बताओ सारे बच्चे चलो कितने रूटवर्ड हो गए बेटा हमारे पास रूटवर्ड हो गए हैं तीन पहला क्या था हमारे पास पहला रूटवर्ड था हमारे पास स्क्राइब स्क्राइब से हमने वर्ड बनाए थे प्रिस्क्राइब इंस्क्राइब स्क्रीबर डिस्क्राइब प्रोस्क्राइब ठीक है उसके बाद वर्ड था हमारे पास बच्चे क्या मैग्नी मैग्नी से वर्ड बनाया मैग्नीफाई मैग्नीफिशियंट मैग्नीट्यूड मैग्नियस और एक वर्ड पढ़ा मैग्नी ठीक है और ओमनी से हमने वर्ड बनाए ऑम्नी साइंट ओमनी प्रेजेंट ऑमनी पॉर्टेंट ऑमनी बस ठीक है ऑमनीफिशियंट ऑमनी वॉर्स ओमनी लिखना था वी ओ आर ओ यू एस ये लिखना था ठीक है वर्स का मतलब होता है खाना ठीक है चलो जी तो ये सारे रूट वर्ड हो गए बेटा हमारे उसके बाद आगे चलते हैं लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटा हमारा जो ये सुपर हंड्रेड प्लान है इसमें अगर अभी तक आपने देखो बहुत जल्दी ही यानी 28 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी YouTube पर सारे सेशन शुरू हो जाएंगे इसके ठीक है कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे ये सारे सब्जेक्ट इसमें होंगे ये आपका सिलेबस है कोर्स का सिलेबस है ये मैथ्स के 100 प्लस लेक्चर लगेंगे रीजनिंग के 75 जीएस के 120 साइंस के 90 इंग्लिश के 60 लिखे लेकिन ये ज्यादा हो जाएंगे वो कैब मिला दोगे तो ठीक है तो ये सारे लेक्चर आपके लगेंगे लेकिन इससे पहले आपको इसमें इनरोलमेंट लेने के लिए बेटा क्या करना है आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना है ठीक है अट्ठाईस अगस्त से यूट्यूब की क्लासेस शुरू हो जाएंगी तारीख को आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा लेकिन ये सब कुछ करने से पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है ठीक है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है कोई पैसा नहीं लगेगा आपका ठीक है आपने सिर्फ अपनी अरोड़ा क्लासेस की ऐप में जाना है ऐप में जाने के बाद आपने क्या करना है ये जो बैच वाला ऑप्शन होता है नीचे नीचे आपकी ऐप के अंदर इस पर क्लिक करना है देन आपको प्लस के साइन पे क्लिक करना है देन आपको ये कोड फिल करना है हंड्रेड सुपर

ठीक है क्या भरना है इंग्लिश तो एक बच्चा कल परसों मुझे कह रहा था कि सर मैंने ना बहुत बार रिक्वेस्ट सेंड कर दी हो नहीं रही हो ही नहीं रही हो नहीं रही ऑफलाइन का बच्चा था कहता सर हो ही नहीं रही मैंने कहा यार ऐसा तो हो नहीं सकता अब तीन चार बच्चे आगे मेरे पास कह रहे कि सर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो जा ही नहीं रही है आप सुनते नहीं हो ये है वो है मैंने कहा बेटा इधर आ मैंने कहा ऐप दिखा पहले अपनी उसने अपनी ऐप दिखाई हूँ अरोड़ा क्लासेस वाली ऐप डाउनलोड करनी है उसमें कोड लगाना है आप अरोड़ा टेस्ट सीरीज में जाके लगाओगे तो कहां से लग जाएगा चलो जी उसको समझ में आ गया कि मेरे तो ऐप ही गलत थी फिर दूसरे को मैंने बोला भाई तेरा बता क्या था तेरा क्या था उसको वो भरे जा रहा है मेरे सामने मैंने कहा चल लगा कोड लगा भर इसको

अब इनमें से भी बहुत सारे बच्चे हैं कह रहे हैं कि सर रिक्वेस्ट जा नहीं रही है जा नहीं रही है जा नहीं रही है इसका मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो या तो आपकी ऐप गलत है या फिर आपका कोड गलत है कुछ तो गलती है नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिक्वेस्ट नहीं जाएगी रिक्वेस्ट क्यों नहीं जाएगी जाएगी रिक्वेस्ट बिल्कुल जाएगी सौ परसेंट जाएगी ठीक है जी चलो फिर आगे चलते हैं और कुछ और वर्ड्स के बारे में अपने पढ़ते हैं क्या पढ़े बताओ कौन सा वर्ड पढ़ेगी चलो एक वर्ड पढ़ाता हूं मैं आपको वैसे आपने ही पढ़ा हुआ है लेकिन इसमें कुछ नए वर्ड ऐड करेंगे आज अपने ठीक है एक वर्ड है बेटा हमारे पास रूट वर्ड है साइट सी आई डी साइट और साइट का मतलब पता है ना क्या होता है सभी को साइट का मतलब मतलब होता होता है 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 किलिंग किलिंग किसी को मारना ठीक इसका मतलब होता है हिंदी में हत्या किसी की हत्या करना किसी का मर्डर करना ठीक है जी लिखो फटाफट से ये आपने पढ़ा होगा वर्ड क्योंकि काफी बार करवाया हुआ ये मैंने लेकिन इसमें कुछ नए वर्ड ऐड करेंगे आज अपने ठीक है इसमें कुछ नए वर्ड ऐड करेंगे लिखो फटाफट लिखो सारे बच्चे फटाफट से चलो फिर लिखो पहला वर्ड लिखो सारे बच्चे पहला वर्ड है कोशिश करना बताने की अगर आपको आते हैं तो ठीक है कोशिश करना बताने की पहला वर्ड है मैरिटी साइट पहला वर्ड है मैरिटी साइट एम आई आर आई टी आई सी आई टी ई मैरिटी साइट दूसरा वर्ड है हमारे पास पैरी साइट पी ए डबल आर आई सी आई E पैरिसाइड वर्ड है हमारे पास ठीक है तीसरा वर्ड है हमारे पास फिली F एफ आई एल आई एफ आई एल आई सी आई डी ई ठीक है फिली नए वर्ड बताऊंगा पुराने तो आपको आते ही होंगे बहुत सारे वर्ड नए नए वर्ड पढ़ेंगे ठीक है fratricite. एक वर्ड है फ्रैटरी साइट एक वर्ड है फ्रैटरी साइट ये सारे वन वर्ड में पूछे जाते हैं बेटा ध्यान रखना फ्रैटरी साइट ठीक है जी उसके बाद एक वर्ड आता है पैट्री साइट पैट्री साइट काफी सारे तो आपको आते हैं मैं पहले ही बता रहा हूं पैट्री साइट ठीक है एक वर्ड है जिसमें हम लिखेंगे मैट्रीसाइट एक वर्ड है हमारे पास जिसको हम लिखेंगे मैट्रीसाइट मैट्रीसाइट ठीक है देखो कितने वर्ड हो गए ना साइट से बहुत सारे वर्ड बनते हैं ठीक है एक वर्ड लो यूरोसाइट ये जरूर पढ़ना यूरोसाइट ये वाला वर्ड जरूर याद कर लेना इंपॉर्टेंट है ठीक है यू एक्स ओ यू एक्स ओ आर आर के बाद नहीं लगा ना भाई गलती गलती गलतीसाइट इतना ही लिखना है ठीक है यू एक्स ओ आर सी आई डी ई सीरोसाइट हो जाएगा उसके बाद सुसाइड तो बेटा आपको आता ही होगा ना सुसाइड तो इजी है एक याद करना सोरो सोरोसाइट ये जरूर याद करना एस ओ आर ओ आर आई सी आई डी ई सोरोसाइट स्पेलिंग ध्यान से लिख लेना बेटा सारी की सारी एस ओ आर ओ आर आई सी आई डी आई ठीक है एक वर्ड होता है जेनोसाइट एक वर्ड होता है बच्चे जेनोसाइट ये भी आपने सुना होगा जेनोसाइट एक वर्ड होता है होमिसाइट होमिसाइट ये वाला वर्ड भी आपने सुना होगा तो काफी सारे वर्ड तो इसमें से ऑलरेडी आप सुन चुके हैं काफी सारे वर्ड ऑलरेडी आप, आप पढ़ चुके हैं ठीक है तो चलिए अब हम याद करते हैं इसको एक और लिख लें क्या एक और लिख लेते हैं फॉइटी साइट लिख लेनाइट ये भी लिख लेना ठीक है ये लुन्च कितने वर्ड हो गए देखना एक बार एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह वर्ड हमने लिख लिए देखो ऐसे झटके में याद कर देंगे ग्यारह वर्ड अभी देखना ऐसे झटके में याद कर देंगे चलो देखो इनमें से कितने कितने आपको आते हैं बताना मुझे एक बार बताओ किस किस को पता है कि मैरिटी साइड किसकी हत्या होती है जल्दी से बताओ मैरिटी साइड किसकी हत्या होती है जल्दी से बताओ कमेंट करके किस किस को पता है ये वाला वर्ड जल्दी से बताओ बेटा मैरिटी में किसकी हत्या की जाती है देखते हैं कितने बच्चे को आता है पहले से ही हाँ साइड भी होता है वो भी लिख देंगे साइड लिख देंगे यार बारह कर देते हैं ये लो लोग साइड भी लिख लेते हैं भाई एक बच्चा कह रहे सर आपने साइड नहीं लिखा ये लो ठीक है बच्चे ये लो लिखने को पेस्टिसाइड भी लिख सकते हो बहुत है लेकिन ये पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नहीं बेटा बस यही गलती करोगे तुम लोग तुम लोग यही गलती करोगे देखो यहां पे दो वर्ड हैं एक है मैट्रीसाइट मैट्रीसाइड और एक वर्ड है मैरिटी दोनों में अंतर है बेटा दोनों में अंतर है ठीक है एक है मैट्री साइड और एक है मैरिटी साइड मैट्री साइड होता है किलिंग ऑफ मदर मैट्री साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ मदर वो मैट्री होता है बच्चे मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो क्या है वो मैरिटी है मैरिटी मैरी को याद करना मैरिज से किससे याद करोगे मैरिज से ठीक है side, से याद करना और Mary's में होता है हस्बैंड ऑफ हस्बैंड मैरिटी साइड में होता है किलिंग ऑफ हस्बैंड ये याद कर लेना बच्चे इंपॉर्टेंट है मैंने पहले ही बताया था किलिंग ऑफ हस्बैंड मैरिटी में और मैटरी में फर्क है ठीक है यही सारे बच्चे आप गलत कर दोगे यही गलती होगी आपसे उसके बाद वर्ड आता है पैरिसाइड पी ए डबल आर आई पैरिसाइड का मतलब होता है किलिंग किलिंग ऑफ ऑफ का मतलब या तो पेरेंट में दोनों हो सकते हैं मदर भी हो सकता है फादर भी हो सकता है ठीक है पेरेंट में दोनों हो सकते हैं आपके मदर भी हो सकते हैं फादर भी हो सकते हैं ठीक है उसको बोलते हैं पेरिसाइट क्या बोलते हैं पेरिसाइड उसके बाद आता है फिलीसाइट फिली साइड क्या होता है बच्चे फिलीसाइट फिलीसाइट का मतलब होता है किलिंग ऑफ चिल्ड्रन किलिंग ऑफ चिल्ड्रन जी किलिंग ऑफ चिल्ड्रन इज कॉल्ड फिलीसाइट उसके बाद फ्रेटरी साइड क्या होता है फ्रेटरी साइड होता है किलिंग ऑफ ब्रदर किलिंग ऑफ ब्रदर भाई की हत्या करना ठीक है पैटरीसाइड क्या होता है किलिंग ऑफ फादर बैटरी साइड क्या होता है किलिंग ऑफ फादर ठीक है बच्चे किलिंग ऑफ फादर होता है उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो जीरो साइड होता है जैसे ये देखो ये था मैरिटी uh, साइड में किलिंग ऑफ हस्बैंड होता है जीरो साइड के अंदर किलिंग ऑफ वाइफ होता है किलिंग ऑफ वाइफ होता है भाई ठीक है किलिंग ऑफ वाइफ क्या होता है जीरो साइड ठीक है बच्चे उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास था नेक्स्ट वर्ड हमारे पास था so इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ सिस्टर क्या होता है किलिंग ऑफ सिस्टर किसकी हत्या करना सिस्टर बहन की हत्या करना जेनोसाइड होता है killing of race. Races का मतलब होता है एक पूरे ग्रुप को मार देना एक पूरे ग्रुप को खत्म कर देना इट इज कॉल्ड जेनोसाइट ठीक है जेनोसाइड का मतलब क्या होता है जब आप किसी पूरे ग्रुप को मार देते हैं ठीक है बच्चे उसके बाद वर्ड है हमारे पास होमिसाइट होमिसाइट का मतलब क्या होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग किसी भी इंसान को मार देना किसी भी इंसान को मार देना ह्यूमन बींग को मार देना वो आपका क्या कहलाता है होमिसाइड कहलाता है क्या कहलाता है होमिसाइड ठीक है और यहां पे लिखा है फॉइटिसाइट इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ फॉइटस फीटस बोलते हैं इसको वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फीटस ठीक है फीटस होता है जो बच्चा अभी जिसने जन्म नहीं लिया जो अभी मां के पेट में होता है ठीक है उसको मारना क्या कहलाता है उसको मारना कहलाता है है ठीक इसको कहते हैं फॉइटस फॉइटस होता है अनबोर्न चाइल्ड क्या कहते हैं फॉइटस का मतलब क्या होता है बच्चे अनबोर्न चाइल्ड जो अभी जिसका जन्म नहीं हुआ है जो अभी मां के पेट में है उस बच्चे को कहते हैं क्या चीज फिटस ठीक है हाँ जी उसके बाद एक वर्ड किसी ने लिखवाया था रेजिसाइड तो इसमें किसकी हत्या होती है बेटा राजा की किंग की हत्या किलिंग ऑफ किंग राजा की हत्या जो होती है उसे रेजिसाइड कहते हैं तो ये देखिए कितने सारे वर्ड हमने याद कर लिए हैं ठीक है कितने सारे वर्ड हमने याद कर लिए हैं ठीक है आप देखो कोई भी चीज पूछ ले आपसे रेजिसाइड क्या होता है मैट्री साइड क्या होता है पैट्री साइड क्या होता है फ्रेटरी साइड क्या, क्या, क्या होता है और उसके बाद इन क्या होता है फोटी साइड क्या होता है पेस्टिसाइड क्या होता है सुसाइड क्या होता है तो सारे के सारे वर्ड हम एक साथ याद कर सकते हैं कि सबका मतलब मारना होता है बस याद ये करना है कि भाई किसको मारना है पेरीसाइड है फिलीसाइड है ये सारे वर्ड आपको याद करने हैं ठीक है और मोस्टली एग्जाम्स के अंदर इनमें से ही आपसे पूछे जाते हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं इन्हीं में से आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसको इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते कहते हैं हैं ठीक है बच्चों याद हो गया बेटा जल्दी से एक बार करके बता दो फटाफट से जल्दी से एक बार थम्सअप करके बता दो सारे बच्चे हाँ स्क्रीन ले लो बेटा बिल्कुल लो स्क्रीन क्यों नहीं लेना लो स्क्रीन याद हो गए कि नहीं हुए जल्दी से बता दो बेटा एक बार सारे बच्चे नहीं यूज होते बेटा सिमरनजीत कौर ये वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही यूज होते हैं पास्ट इंडेफिनेट में नहीं होते हैं बच्चे पास्ट इंडेफिनेट में नहीं होते हैं ठीक है बच्चों तो चलो अब देखो कितने वर्ड हो गए बेटा हमारे पास ये हमने पढ़ लिए बारह वर्ड टोटल तो ये हो गए हमारे पास ठीक है इससे पहले इससे पहले हमने कितने वर्ड पढ़े थे इससे पहले हमने पढ़े थे ये वाले ठीक है छह वर्ड हमने यहाँ पे पढ़ लिए थे बारह छह कितने हो गए अठारह वर्ड हो गए उसके बाद पांच वर्ड हमने यहाँ पढ़ लिए थे अठारह और पांच कितने हो गए तेईस हो गए तेईस के बाद में बेटा पांच वर्ड हमने यहाँ पढ़ लिए अट्ठाईस वर्ड आज की क्लास में हमने पढ़ लिए ट्वेंटी एट वर्ड्स ठीक है कहने को तो हमने चार रूट वर्ड ही पढ़े हैं कहने को तो आप कोई बच्चा कह देगा कि सर आपने तो आज चार ही रूट वर्ड करवाए हैं बस इतना ही पढ़ाओगे लेकिन बेटा हमने 28 से 30 वर्ड याद कर लिए है दो वर्ड जो मैंने बोले हैं जो आपको बताए नहीं सुसाइड मैंने बोला था सुसाइड का मतलब पता होता है आपको ठीक है इसलिए मैंने लिखा नहीं वहां पे इन्फेंटिसाइड होता है जो छोटे बच्चे को मारना होता वो मैंने नहीं लिखा वहां पे ठीक है पेस्टिसाइड जो आप खेतों में यूज करते हैं फार्म के अंदर यूज करते हैं पेस्टिसाइड वो मैंने नहीं लिखा वहां पर क्योंकि वो आपको पता है ऑलरेडी तो हमने लगभग तीस वर्ड आज की क्लास में याद कर ली है ठीक है कितना टाइम वो कैब चलेगी बेटा वो कैब का कोई टाइम नहीं होता कैप की कोई लिमिट नहीं होती है लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि इस क्लास के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो सारी करवा दूं जो आपके पेपर में मोस्टली पूछी जाती हैं ठीक है बच्चे तो मोस्टली जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं तो वो सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा बिल्कुल बेफिक्र रहिए लेकिन एक बात हाँ, एक बात जरूर याद रखना बेटा पिछला जो पढ़ रहे हो अभी एक बच्चे ने लिख भी दिया करमजीत कौर ने कि सर पिछला भूल रहे हैं बेटा भूलते नहीं है देखो भूलना नहीं है देखो मैंने आपको एक स्पेलिंग लिखी मैंने आपको एक स्पेलिंग लिखी चलो एक बार फटाफट से आ जाओ सारे कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने एक स्पेलिंग लिखी चोटल मैंने एक स्पेलिंग लिखी एवराइस ठीक है मैंने एक स्पेलिंग लिखी पेंडेमिक ठीक है मैंने एक स्पेलिंग लिखी पेंडेमिक ठीक है बच्चों मैंने एक स्पेलिंग लिखी क्रोनोग्राफ ये लिख दी मैंने स्पेलिंग ठीक है बच्चों और मैंने एक स्पेलिंग लिख दी चलो और क्या लिखे बताओ जो भी पढ़ा है अपने ने वो सारा लिख देते हैं अभी अभी देखो अभी याद आएगा बेटा क्यों नहीं याद आएगा? लो एक स्पेलिंग लिख दी एगॉग एगोग की स्पेलिंग मैंने लिख दी ठीक है और क्या लिखे बताओ और क्या पढ़ा था आपने और क्या स्पेलिंग पढ़ी थी चलो और बताता हूं मैं आपको ये लो एक मैंने स्पेलिंग लिखी ये वाली इंडोलेंट ये वाली स्पेलिंग लिख दी इंडोलेंट ठीक है जी एक मैंने स्पेलिंग लिख दी आपके सामने अमेज क्या स्पेलिंग लिख दी अमेज लिखती ठीक है बच्चे एक मैंने आपके स्पेलिंग लिख दी ये लो सबैटिकल क्या लिख दिया सबैटिकल ये लो अब देखो कौन कहता है याद नहीं होता कौन कहता है पिछला भूल रहे हैं ठीक है कौन कहता है पिछला भूल रहे हैं बेटा याद करो आप डेली चीजों को पढ़ोगे तो चीजें याद होंगी अब आपको हर चीज का मैंने बताया देखो चोटल चोटल गया इस पे हमें हसी आ रही है इसका मतलब मैंने क्या बताया था लाफ बताया था इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था है लाफ बताया था इसका मतलब मैंने आपको चकल बताया था सी एच यू सी के एल चकल होता है क्रैकल होता है ठीक है एवराइज का मतलब क्या होता है एवराइज का मतलब बच्चे ग्रीड होता है लालच होता है ठीक है जी पैंडेमिक क्या होता है जो बीमारी जो है सभी जगह पे फैल जाती है ऑल द वर्ल्ड उसको पैंडेमिक कहते हैं क्रोनोग्राफ का मतलब क्या होता है क्रोनो का मतलब टाइम होता है ठीक है क्रोनोग्राफ का मतलब जो टाइम को रिकॉर्ड करता है उसे क्रोनोग्राफ कहते हैं ए जी ओ जी करने वाले लोग क्या होते हैं बड़े एक्साइट होते हैं किसी चीज को लेकर उनके अंदर बड़ी एक्साइटमेंट होती है किसी चीज को लेकर ठीक है उसके बाद इंडोलेंट इतने डोले होगे लेकिन फिर भी आप क्या हो लेजी हो आलसी हो स्लगिश हो क्या हो स्लगिश हो एस एल यू डबल जी आई एस एच स्लगिश हो ठीक है अमेज जिसके पास अमेज कार थी उसको देख के हम क्या हो गए हैरान हो गए सरप्राइज हो गए ठीक है शॉक हो गए तो ये वाले वर्ड हो गए सब बातें कल करेंगे क्योंकि आज क्या हो गया हॉलीडे हो गया आज क्या हो गया आज ब्रेक हो गया आज क्या हो गया आज रिसेस हो गया लो बेटा याद हो गया याद करो ना याद करने से याद होते हैं अगर आप सोचोगे सिर्फ सर हम क्लास लगा लें और याद हो जाएंगे देखो एक बार तो खुद से पढ़ना पड़ेगा ना आपको चीजों को पिछली चीजें कोई नहीं भूलता है मैं नहीं बोला आज तक यार इतनी सारी वो कैब मैंने पढ़ ली मैं पिछली वो कैप कभी नहीं भूला मैंने जो एक बार वर्ड पढ़ लिया मुझे याद हो जाता है ठीक है और याद इसलिए होता है क्योंकि मैं डेली टच में हूं मैं चीजों को पढ़ता हूं सारी चीजें तो बहाने मत लगाओ देखो बहाने लगाने से सिर्फ बहाने मिलेंगे अगर आप अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करोगे तो बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे ठीक है ना इसलिए कभी भी बहाने मत लगाओ ठीक है पढ़ो चीजों को सारी चीजें याद होंगी बहुत अच्छे लेवल पे याद होंगी ठीक है तो अब करेंगे हम सब बातें कल क्योंकि आज हो चुका है हमारा आज का ब्रेक तो आज वाली क्लास भी बेटा पढ़ लेना सारे बच्चे आज भी आपके पास टेस्ट आएगा टेस्ट किसी बच्चे का अगर अभी भी नहीं ज्वाइन हो रहा तो प्लीज आप कमेंट कर देना टेलीग्राम चैनल पर आपकी समस्या का हल कर दिया जाएगा ठीक है जी हाँ कोई बात नहीं सिमरजीत कौर जी आप मुझे फोटो खींच के और टेलीग्राम कर देना जो भी आपका डाउट है ठीक है बच्चे चलिए कल मिलेंगे सभी से ओके बाय टेक केयर और पढ़ते रहिए बेटा मोटिवेट रहिए क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं बहुत सारी पोस्ट आने वाली हैं तो इस बात के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लें कि सर क्या वैकेंसीज आएंगी और वैकेंसीज आएंगी और जल्दी ही आपके लिए एक बढ़िया खुशखबरी आपको सुनाएंगे आपके लिए जल्दी ही पंजाब के अंदर पहली बार एसएससी एक बढ़िया लेवल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं एस <SSE> का बैच बहुत जल्दी आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही कम फीस के अंदर इतनी कम फीस की आप सुनकर हैरान हो जाओगे ठीक है और वो भी ऑफलाइन के अंदर ठीक है तो सारे बच्चे तैयार रहना आप पंजाब के अंदर आपको सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम से नहीं एस के एग्जाम्स की तैयारी भी करवाई जाएगी लेकिन उससे पहले काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सर एस में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं एस का सिलेबस क्या होता है एस के अंदर एज क्राइटेरिया क्या होता है तो उस पर मैं बेटा वीडियो बना रहा हूं जल्दी ही आपके पास एक वीडियो आएगा जिसमें एस की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि एस के पेपर एक साल के अंदर कितनी बार होते हैं क्या क्या सिलेबस होता है क्या क्या एज क्राइटेरिया होता है वो सारी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको दे दी जाएगी तो आप उस पहले वीडियो को देखना अच्छे से और फिर डिसाइड करना कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं क्या आप एस की तैयारी कर सकते हैं और मैं तो कह रहा हूं कर सकते हो ठीक है बाकी आप वीडियो देखना एक बार फटाफट से और उसके बाद जो है आपके लिए एक एस का बैच जल्दी ही लॉन्च करने जा रहे हैं ठीक है जी चलिए जी ओके बाय टेक केयर ध्यान रखिए सभी अपना पढ़ते रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए